दोस्तों मैच हारने के बाद में रोहित शर्मा काफी ज्यादा गुस्सा नजर आए हार्दिक पांड्या से, क्योंकि उनकी कप्तानी में ये लगातार मुंबई इंडियंस की हार नजर आ रही है। हर मैच मुंबई इंडियंस हारती हुई आई है और आज लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ भी जब मुंबई इंडियंस ने 144 रन बनाए थे 7 विकेट के नुकसान पर, उस समय पर हार्दिक पांड्या अपनी कप्तानी में 1 रन भी नहीं बना पाए और पहली ही बॉल पर यहाँ पर 0 रनों पर आउट हो जाते हैं। और उसी के बाद में जब लखनऊ की बारी आती है बल्लेबाजी करने की, उस समय पर मार्कस टोनिस ने बहुत ही शानदार पारी खेलते हुए 62 रन बना दिए और आखिर में तो वो चौके छक्के लग ही जाते हैं, जिसकी बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम 145 रन बना देती है और 4 विकेटों से लखनऊ इस मुकाबले को जीतकर अपने नाम करती है। तो हार्दिक पांड्या के ऊपर फिर से एक बार रोहित शर्मा और टीम मैनेजमेंट का गुस्सा फूटता हुआ नजर आया है, क्योंकि उनकी कप्तानी में ये मुंबई इंडियंस की टीम लगातार हारती हुई नजर आई है। और मैच के बाद में ड्रेसिंग रूम की तरफ जाते हुए रोहित शर्मा हार्दिक पांड्या से काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए थे। रोहित शर्मा का आज बर्थडे भी है और इसी वजह से वो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देना चाहते थे, लेकिन इसके बावजूद भी पूरी टीम ने मिलकर यहाँ पर बहुत ही खराब प्रदर्शन किया, जिस वजह से रोहित शर्मा का एक तो बर्थडे भी खराब हो गया, ऊपर से हार्दिक पांड्या की वजह से वो टीम की परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है। बता दूँ IPL के पॉइंट्स टेबल में मुंबई इंडियंस अभी भी 9वें स्थान पर बनी हुई है, क्योंकि इन्होंने 10 में से 3 मुकाबले जीते हैं और 7 मुकाबले लगातार ये टीम हारती हुई आई है। और बता दूँ लखनऊ की टीम अब तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है IPL के पॉइंट्स टेबल में, क्योंकि इन्होंने 10 में से 6 मुकाबले जीते हैं और यहां पर 4 ही मुकाबले हारे हैं। तो इसी वजह से IPL के पॉइंट्स टेबल में भी बड़ा बदलाव देखने को मिला है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि अगले साल भी IPL के अंदर हार्दिक पांड्या को ही मुंबई इंडियंस की कप्तानी देनी चाहिए या फिर रोहित शर्मा को फिर से कप्तान बनाना चाहिए? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।